नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज मैगी चॉप बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले मैगी बनाऊँगी। कढ़ाई में तेल गरम हो गया, मैं प्याज को फ्राई करूँगी ब्राउन होने तक। प्याज ब्राउन होने के बाद हम उसमें टमाटर डालेंगे। तब मैगी मसाला डालेंगे। अब नमक डालेंगे। अब हम पानी डालेंगे। पानी को खोलने के बाद हम इसमें मैगी डालेंगे। अब हम मैगी को अच्छे से बनाकर इसको ठंडा कर लिए थे। ठंडा करने के बाद अब हम लड्डू बना रहे हैं। मैगी से हम लड्डू बना लेंगे, मैगी बॉल। उसके बाद हम इसको तलेंगे। अब हम घोल तैयार करेंगे। आधा कटोरी चावल का आटा है, आधा कटोरी बेसन है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सब्जी मसाला, और जीरा पाउडर। इसमें थोड़ा कलौंजी और अजवाइन डाल देंगे। अब पानी डाल के इसको गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। पतला नहीं करना है, गाढ़ा बनाना है। फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। ये जो मैगी का बॉल बना के रखी हूँ, इसको मैं लपेट के तलूंगी। तेल गरम हो गया, अब मैगी को घोल में लपेट कर इसको तलना है। और ये मैगी बॉल को हम ब्राउन होने तक मीडियम टू लो फ्लेम में इसको धीरे धीरे तलते रहेंगे और ब्राउन होने तक तलेंगे पलट पलट कर।
ग्रीन टी ले लेंगे तलने से, और पलट पलट के अगर तल लेंगे तो चारों तरफ से एक जैसा ब्राउन हो जाएंगे, खाने में अच्छा लगेगा। वह तलने में लेट तो लगता है लेकिन बहुत अच्छा ऊपर से क्रंची लगता है और अंदर से सॉफ्ट है। इसको फिर से एक बार पलट देंगे। मेरा मैगी तो बनकर तैयार है और मैं अभी ओवन कर दूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक